तो गाइस यार, अगर आप लोग मेरी वीडियोस को डेली देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने काफी दिनों से ऑफलाइन गेम्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी। एंड आप में से काफी सारे लोग नीचे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई ऑफलाइन गेम्स के ऊपर वीडियो बनाओ, बट उनका साइज अंडर 100 MB होना चाहिए। ठीक है, समझ गया। सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 बढ़िया वाले ऑफलाइन गेम बताऊंगा जिन्हें कि आप लोग 100 MB के अंदर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस यार, अभी ना मार्केट के अंदर कुछ न्यू ऑफलाइन गेम्स लॉन्च हुए थे जिन्हें कि मैंने ट्राई करा। एंड सच बता रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर मैं इन गेम से इतना ज्यादा बोर हो गया कि आखिर में जाकर मेरे को इन गेम्स को अनइंस्टॉल करना पड़ा। इसलिए मैंने सीरीज के अंदर कुछ पुराने गेम्स को भी ऐड किए हैं जो कि 1-2 साल पुराने होंगे, बट उनका गेम प्ले एक्सपीरियंस गॉड लेवल का होगा। तो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वाले वीडियो को लाइक कर दो, एंड ऐसी हाई क्वालिटी गेमिंग सीरीज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, इस वाले वीडियो को हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, यहाँ पर से हम लोग अपने वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं, सीरीज को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं वीडियो में आने वाले नंबर 1 ऑफलाइन गेम की। सो गाइस यार, हमारी सीरीज में आने वाला सबसे पहला गेम है बनाना कॉन्ग, जिससे कि प्ले स्टोर के ऊपर 4.4 की रेटिंग मिली है। एंड बेसिकली ये एक एक्शन एडवेंचर रनिंग गेम है। पहले ही बता देता हूँ, इस गेम को ऐसे बाहर से देख के जज मत करना, मैंने इस गेम को खेला हुआ है तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये वाला गेम आप लोग को डेफिनेटली पसंद आएगा। इस गेम के अंदर आपका मेन काम होगा सभी ऑब्स्टिकल्स को पार करके आगे बढ़ना, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो केले का एक बहुत बड़ा पहाड़ आएगा जो कि आपको निकल जाएगा बिना डकार के। वैसे गाइस, बनाना कॉन्ग का सेकंड पार्ट आ चुका है, तो अगर आप लोगों ने इस वाले पार्ट को कंप्लीट कर दिया तो आप लोग जाकर सेकंड वाले गेम को भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको जंगल से, गुफाओं से, पहाड़ों के ऊपर से, पानी के अंदर से गुजरना होगा। रही बात गेम के डाउनलोडिंग साइज की, तो फिर वो आपको देखने को मिलेगा ओनली 66 MB। एंड ये वाला गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन होगा। एडवेंचर गेम्स खेलना पसंद है तो मेरे कहने पर इस वाले गेम को ट्राई कर लेना, गेम आप लोग को डेफिनेटली पसंद आएगा। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं सीरीज में आने वाले नंबर 2 गेम की। तो गाइस यार, हमारी सीरीज में आने वाला सेकंड गेम है जॉम्बी हंटर डी डे, जिससे कि प्ले स्टोर के ऊपर 4.1 की रेटिंग मिली है। एंड बेसिकली ये एक सिंगल प्लेयर जॉम्बी शूटिंग गेम है जिसके अंदर आप लोगों को 3D जॉम्बीज एंड काफी बढ़िया शूटिंग एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो इस गेम के अंदर स्टोरी ये दिखाई गई है कि एक दिन अचानक से सभी लोग जॉम्बीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और इस घटना को हुए 80 दिन बीत चुके हैं। तो इस गेम के अंदर आपका मेन गोल होगा जब तक आप लोग जिंदा रह सको तब तक आप लोग जिंदा रहो। यहाँ पर आपको गेम में काफी सारे स्टेजेस, अलग अलग तरह के जॉम्बीज और डिफरेंट तरह के वेपन देखने को मिलेंगे, और आपके पास में 3 अलग अलग गेम प्ले मोड भी होंगे। रही बात गेम के डाउनलोडिंग साइज की, तो फिर वो आपको देखने को मिलेगा 80 MB। एंड ये वाला गेम भी पूरी तरीके से ऑफलाइन है। अगर आप लोगों ने ये वाला गेम आज से पहले नहीं खेला था तो मेरी तरफ से ये वाला गेम आपको हाईली रिकमेंड होगा, आप लोग गेम को जरूर से ट्राई करना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं सीरीज में आने वाले नंबर 3 गेम की। तो गाइस यार, हमारी सीरीज में आने वाला 3rd गेम है माउंटेन बाइक एक्सट्रीम, जिससे कि प्ले स्टोर के ऊपर 4.3 की रेटिंग मिली है। एंड बेसिकली ये एक सिंगल प्लेयर स्टंट ड्राइविंग गेम है जिसके अंदर आप लोग को काफी सारे लेवल देखने को मिलेंगे जिन्हें आपको कंप्लीट करना होगा। इस गेम के अंदर आप लोग को रियलिस्टिक फिजिक्स एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखने को मिलेंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि साइज के अकॉर्डिंग इस गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। गेम के अंदर आपको डायनेमिक वेदर सिस्टम और डे एंड नाइट का साइकिल देखने को मिल जाएगा। वैसे ना ये एक चैलेंजिंग गेम है क्योंकि यहाँ पर आप लोग को मुश्किल से मुश्किल ट्रैक्स के ऊपर अपनी साइकिल को चलाना होगा। एंड इस गेम के अंदर प्रो प्लेयर बनने के लिए आपकी गेमिंग स्किल काफी ज्यादा मैटर करती है। रही बात गेम के डाउनलोडिंग साइज की, तो फिर वो आपको देखने को मिलेगा ओनली 44 MB। एंड ये वाला गेम भी पूरी तरीके से ऑफलाइन है। सो गाइस, अगर आप लोगों ने इस वाली वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो इसका ये मतलब है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ही वीडियो रोजाना देखने को मिलती रहेगी। तो यहाँ पर से हम लोग अपने वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं सीरीज में आने वाले नंबर 4 गेम की। तो गाइस यार, हमारे सीरीज में आने वाला 4th गेम है रेसिंग लेजेंड्स। प्ले स्टोर के ऊपर इस गेम को 3.9 की रेटिंग मिली है। एंड बेसिकली ये एक सिंगल प्लेयर कार रेसिंग गेम है। इस गेम के अंदर आप लोग को अच्छी ग्राफिक्स क्वालिटी एंड यूनिक गेम प्ले देखने को मिलता है अगर आप लोग कंपेयर करो दूसरे किसी रेसिंग गेम से। इस गेम के अंदर आप लोग रेसिंग कर सकते हो, ड्रिफ्टिंग कर सकते हो एंड साथ ही में जंप कर सकते हो। इस गेम का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा सिमिलर है एस्पल्ट 9 लेजेंड से। यहाँ पर आपके पास में काफी सारी सुपर कार्स होंगी जैसे कि बुगाटी, लैम्बोर्गिनी एंड फरारी। आप इन कार्स को डिटेल में कस्टमाइज
कस्टमाइज कर सकते हो एंड साथ ही में अपग्रेड कर सकते हो। गेम के अंदर आपको बर्फीली रोड, कीचड़ वाली सड़क देखने को मिलेगी, वो भी डे एंड नाइट लोकेशन के साथ में। रही बात गेम के डाउनलोडिंग साइज की, तो फिर वो आपको देखने को मिलेगा 88 MB, एंड ये वाला गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है। अगर आपको ये वाला गेम पसंद आया एंड आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं वीडियो में आने वाले नंबर 5 गेम की। सो गाइस, हमारे सीरीज में आने वाला पांचवा और आखिरी गेम है प्रोजेक्ट ब्रिज 2। प्ले स्टोर के ऊपर इस गेम को 4.3 की रेटिंग मिली एंड बेसिकली ये एक मल्टीप्लेयर टैक्टिकल शूटर गेम है जिसके अंदर आपको डिसेंट लेवल की ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। एंड ये एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जिसे कि आप लोग सिंगल प्लेयर या फिर मल्टीप्लेयर अपने दोस्तों के साथ में खेल सकते हो। इस गेम के अंदर आपको डिफरेंट वेपन और काफी सारे मिशन कम्प्लीट करने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्लेन, अपार्टमेंट और पुलिस स्टेशन। इस गेम के अंदर आपको एक मिशन के ऊपर भेजा जाएगा जहां पर आपको अपनी टीम के साथ में मिलकर सारे एनिमीज का सफाया करना होगा। गेम के कंट्रोल्स इजी होंगे, शूटिंग एक्सपीरियंस उतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था। रही बात गेम के डाउनलोडिंग साइज की, तो फिर वो आपको देखने को मिलेगा 95 MB, एंड आप इस गेम को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से खेल सकते हो। सो गाइस, यहां पर मैंने आप लोगों को ऑफलाइन सीरीज के पांचों के पांच गेम बता दिए हैं। टाइम आ चुका है सीरीज को यहीं पर एंड करने का। तो अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वाली वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को सभी गेम्स का लिंक देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर गेम को ट्राई कर सकते हो। आप लोग इन वाले गेम्स को एंजॉय करो। मैं आपसे किसी ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के अंदर दोबारा मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।